शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ी सक्सेस मिली, सो वी ऑल वांट टू थैंक यू फॉर दिस। आशी अपना मोबाइल तो कार में ही भूल गई। सर, आशी को केक खिलाइए ना। आज इसके और इसके डिजाइंस की वजह से हमारा ब्रांड इतना सक्सेसफुल, मार्केट में नंबर वन पे है। जिस सिंघानिया को सब लोग जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे हमें केक खिलाने के लिए, कुछ महीने ओवर फिर तुम्हें इस जबरदस्ती वाली शादी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरी जान को खतरा है, अगर ये लॉकेट गला मांगा है तो मतलब गला माने लूट लिखा है। मेरी जान को खतरा है। हमने तो सुना था गला मां की जान आग में जली सी हुई थी। आग लगी थी या फिर लगाई गई थी? ये हादसा था या साजिश? अगर ये नोट गला मां ने लिखा है मतलब ये आग जान कर लगाई थी। इसके पीछे जरूर कोई राज है, कुछ और भी होगा इसमें। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिट को पता होगा। हमारी बात सुनो। सिर्फ वो क्या, तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? कहा ना, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आशी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे और डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सिर्फ ये हमारे बारे में नहीं है। सिर्फ अब क्या है यार, हमें एक लॉकेट मिला था और जी मिस्टर मेहता, क्या लोकेशन नहीं मिल रहा? देखो आशी, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, तो मैं जो भी बात करनी है, जो भी कहना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी क्या? नहीं, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। वैसे आप एग्जैक्टली है कहाँ? हाँ मैं करता हूँ जी। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें सिर्फ को बताना ही होगा। सॉरी निधि, हमने देखा नहीं तुझे गलती से। यार हमें सिट से बहुत अर्जेंट बात करनी है। क्या हो गया, इतनी घबराई हुई क्यों है? निधि, मुझे सिट का मेमोरी बॉक्स है ना, हमने उसमें कला माँ का लॉकेट देखा था और हमसे गलती से खुल गया। तुझे पता है उसमें एक नोट था, उस नोट में कुछ ना लिखा हुआ था, कुछ वर्ड्स मिसिंग थे, बट शायद उसमें ये लिखा था कि मेरी जान को खतरा है। क्या निधि, हमें मैटर बहुत सीरियस लग रहा है, हमें कैसे भी करके सिट को बताना है। हाँ यार, ये तो बहुत ही सीरियस है। एक काम कर, तू जाके इस सिट भाई को बता, और वरना रुक, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चल। निधि। हाँ माँ। अब माँ क्यों बुला रही है? अब तू एक काम कर, तू जाके सिट भाई को सब बता दे, हम बाद में आते हैं, ठीक है? हम देखते हैं माँ क्या कहती है। सिट। मासी, मासी क्या हुआ, तुम इतनी हाइपर क्यों? मासी जी, अपने सिट को कहीं देखा है? वो अभी उस तरफ गया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? अशी जी, वो कला। कला? कला क्या अशी, कला क्या, बोलो। अशी जी, हाँ बोलो ना अशी, क्या हुआ? कला, कला बोलो अशी। मैम, एसोसिएट्स आ गए हैं, सिट सर उन्हें अंदर लेके आ रहे हैं। अशी देखो, मेरी अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर मेहता के बॉस के साथ, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है। एक काम करते हैं, कला क्रिएशंस के बारे में तुम जो कुछ भी कह रही थी ना, मीटिंग के बाद बात करते हैं, ओके? नाइस टू मीट यू। हेलो, नाइस टू मीट यू। आशी, एक फेवर करोगी प्लीज, तुम्हारी वो स्पेशल अदरक वाली कड़क चाय लाऊंगी। थैंक यू। मिस्टर मेहता जी, कला क्रिएशंस की पब्लिसिटी टॉप क्लास होनी चाहिए। हाँ
देखो आशी, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी कहना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आवाज कैसी? हंसी आवाज नहीं है आपको? होगा कुछ किचन में कटवाया ध्यान है। ये आवाज तो किचन से, और किचन में तो आशी। ओ गॉड, मासी मैं आता हूँ। आशी, आशी, भगवान, ये आवाज कैसी? ऐसी लगा जैसे कोई बॉम्ब फूट गया हो। ये हुआ क्या है? आशी, आशी, आशी आंखें खोलो। आशी, ए, क्या हुआ इसे? अरे आशी, आशी तू ठीक है? आशी, हे राम जी, अब इसे क्या हो गया? अभी अभी तो हमने आशी की कमाई पे ऐश करना शुरू किया था, और इतनी जल्दी इसके होश उड़ गए? कहीं यही तो नहीं उड़ गई? नहीं नहीं राम जी, प्लीज इसे कुछ मत होने देना। आशी, अरे क्या हुआ हमारी बच्ची को? अरे ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? कोई कुछ करो ना। आशी, हम पानी लेकर आते हैं। आशी, मिस्टर मेहता, हम मीटिंग कल कर सकते हैं प्लीज? कोई बात नहीं नीलिमा जी, हम कल मिलते हैं। थैंक यू। पानी। आशी, आशी आंखें खोलो। आशी, चीको, आशी, ये जख्म निधि फर्स्ट एड लेके आ। ये सब कैसे हुआ? आई मीन आई नो कि माइक्रोवेव ब्लास्ट हुआ है, पर कैसे? ऐसे आशी को ना गलती करने की आदत हो गई है। उसने माइक्रोवेव में स्टील का बर्तन रख दिया, बर्तन बजने की आवाज यहाँ तक आई। ये अंदर खड़ी थी लेकिन इसको आवाज नहीं आई। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। जब से ये सिंघानिया हमारी जिंदगी में आया है ना, ये और इसकी दुनिया दोनों बदल गई है। अब क्यों खोए हुए थे? ये सब क्यों, कैसे हुआ? हम तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। सिर, हमें लगता है कि कलमा। कलमा क्या? सिर, हमें लगता है कि कलमा की मौत हादसे में नहीं हुई थी, उनका खून हुआ था।
ये तुम क्या कह रही हो? कला दीदी के कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और उसी आग में कला दीदी की मौत हो गई थी। लेकिन मासी जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आग लगी नहीं हो, वो आग लगवाई हो, मतलब जिसने आग लगवाई हो उसने शॉर्ट सर्किट करवाया और फिर कत्ल को हादसे का नाम दे दिया हो। जहर लगता है होश में तो आ गई हो, लेकिन दिमाग अब भी बेहोश है तुम्हारा। क्या कर रही हो तुम? क्यों सिट के जख्म खुरेद रही हो? तुम जानती हो ना, इन सब की वजह से अगर तुम्हारी शादी खतरे में हो गई ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। काकी, हम बेवजह कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ सोच समझ के बोल रहे। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास ही हो रहा ना, हम अभी आपको कुछ ला के दिखाते हैं। ये देखो, ये कलम का लॉकेट है ना, हमें तुम्हारे मेमोरी बॉक्स से मिला जिसमें उनकी बाकी सारी निशानियां भी थी। और ये जब हमने ओपन करके देखा ना, इसमें एक नोट था, हमने वो नोट पढ़ा और हम श्योर वो नोट कलम ने लिखा है। देखो, देखा तुमने? कैसा नोट? नोट से इसमें कुछ नहीं है आशी, लिखा था उस नोट में? उस नोट पे लिखा था, मेरी जान खतरे में, जान खतरे में। मतलब वो पुरानी लिखाई थी तो पूरी तरह से लिखा नहीं था, उसके कुछ लेटर्स मिट गए थे, पर ऐसे ही लिखा था, मेरी जान को खतरा है। मतलब हम समझ गए उसका मतलब यही है, मेरी जान को खतरा है। बस आशी, और कितनी झूठी कहानियां बनाओगी? झूठ बोलना बंद करो। सर, हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रही हो ना? कहाँ है वो नोट? तुमने नोट देखा ना? कहाँ है वो नोट? मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये सब करके तुम हमारा माइंड डाइवर्ट कर दो, राइट? तुम ये दिखाना चाहती हो ना कि तुम्हें मेरी माँ की बहुत फिक्र है, सबको ये दिखाना चाहती हो कि मेरे परिवार से तुम्हें बहुत लगाव है। लेकिन असल में आशी, तुम्हारा एक झूठा लगाव हमारे परिवार के दिल का सबसे बड़ा घाव है। क्या करना चाहती हो तुम ताकि तुम्हारी ये झूठी कहानियां सुन के हम तुम्हारी सब गलतियां भुला दें? बस आशी, अब तुम कुछ नहीं कहोगी, बस तुम मेरी माँ की चीजों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करोगी, मेरी माँ की यादों से दूर रहोगी। आशी जी, आशी जी, प्लीज हमारी बात पे विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, ये सेठ हमारी बात नहीं मान रहे। आशी देखो, सेठ अभी बहुत नाराज है, उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, तुम बुरा मत मानो प्लीज। दीदी, हम सच कह रहे हैं, कोई हमारी बात का विश्वास नहीं कर रहा, पर हमारा दिल कहता है कोई तो डोर है जो बहुत उलझी हुई है, कोई तो राज है जो बहुत कह रहा है, वक्त की धुंध में छिपा हुआ है, हमें उस राज से पर्दा हटाना होगा और हम हटाएंगे, हम सिर्फ को सच्चाई तक लेके जाएंगे। देख आशी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसमें से कुछ हुआ ही ना हो, तू बेवजह इतना सोच रही है। आशी, ऑलरेडी सिट भाई और मासी बहुत परेशान है कला क्रिएशंस को लेकर, राघव की केस को लेकर, और अब कला माँ के बारे में तो ये सब बातें कर रही है, वो और परेशान हो जाएंगे ना। देख, तू ज्यादा सोच मत, तुझे अभी आराम की जरूरत है, तू बैठ यहाँ,
तेरे लिए पानी लेकर आता, ठीक है? कोई माने या ना माने, हम इस बात को मानते हैं कि कलामा की मौत कोई हादसा नहीं थी, कि मौत के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, वरना वो लॉकेट में नोट, हम इस बात को यूं ही नहीं जाने दे सकते। कुछ करेंगे, हमारा दिल बार बार कहता है कि एक कहानी है जो सबके सामने है, वो कुछ और है। जो कहानी बरसों पहले उस फार्म हाउस में दफन हो गई, वो कुछ और है। उस कहानी का कोई एक पन्ना तो है जो अनदेखा रह गया, अनसुना रह गया, जो किसी ने पढ़ा नहीं। हम पता लगाएंगे उस कहानी के इस पन्ने का, हम कलम आ की कहानी में छिपी हुई असली कहानी को बाहर लेके आएंगे। क्यारा, तुम ठीक हो? Oh, I'm so sorry, sir. मेरी आँख कैसे लग गई? वो ब्रांड डिजाइन कोटेशन कुछ भी नहीं हुआ है। I'm so stressed. रिलैक्स, एक मिनट रुको। पानी पियो, काम डाउन हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सर, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू। कला क्रिएशन तुम्हारा सपना था और तुम्हारा सपना पूरा होते होते रह गया, एक झटके में सब कुछ बदल दिया, सोचा भी नहीं था। इट्स लाइक अ नाइटमेयर। आशी की कैसे छोटी सी गलती ने आज उसके कारण कला क्रिएशन कितना सफर कर रहा है। आई नो क्यारा, इट्स ओके, गलती तो इंसान ही करता है ना, और मुझे नहीं लगता इस सब के पीछे आशी है। मासी, पर आशी के मेल से ही सिंघानिया को उसकी डिजाइन्स गई है ना? आई नो एंड आई ऑल्सो नो कि मेल्स हैक हो सकती है, कोई भी हैक कर सकता है। हो सकता है हमारा कोई कंपेटिटर हो या कोई और जो सिर की तरक्की से नफरत करता हो, लेकिन एक बात है, आशी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, वो कला क्रिएशंस के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। हाँ मासी, आशी को आप जानते कितने सालों से? जितने भी दिनों से जानती हूँ, काफी है। I'm a business woman. मुझे सालों का एक्सपीरियंस है, लोगों की परख है। मुझे नहीं लगता आशी जानबूझ के कला क्रिएशंस के खिलाफ जाएगी। मैंने उसके आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, वो तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। क्या कहा? प्यार? मासी, आपको आशी की आंखों में मेरे लिए प्यार दिखा? नहीं मासी, आशी की आंखों में मेरे लिए सब कुछ है, सिवा प्यार के। करके फार्म हाउस दोबारा जाना होगा। कला माँ के उस बंद कमरे के पीछे क्या है ये पता लगाना होगा। उनकी मौत का क्या राज है? आइए आशी जी। पीयूषी, वो हमें आज थोड़ा काम है, हमें जल्दी जाना है। लेकिन सर तो अभी ऑफिस में नहीं है। देखिए, हमें बहुत अर्जेंट काम है, हम चलते हैं। आप प्लीज मिस्टर सिंघानिया को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हेलो, आशी आज ऑफिस से जल्दी चलेगी।
है राम जी का, ये बंद दरवाजे की चाबी हमें मिल गई। इस बंद दरवाजे के पीछे ही गला मां की मौत का राज छुपा है। शायद हमें यहाँ कोई सुराग मिल जाए। क्यों नहीं खुल रहा? हे राम जी, हमारी मदद कीजिए। कहा ना मुझे परेशान मत करो, मैं बिजी हूं। मैं सिर से उसका सब कुछ छीन लूंगी। उन दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। पतला तो लूंगी मैं उन दोनों से, ऐसा पतला कि उन दोनों की रूह कांप उठेगी।